सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूट्यूबर हैं और 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। क्योंकि ये जब जो भी बात आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो मैंने आप बीती, खुद के ऊपर मेरी बीती है, और मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला है और कैसे इस प्रॉब्लम से मैंने बाहर निकला हूँ, बाहर कदम रखे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं और आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो आप सभी को पता है कि सिल्वर प्ले बटन आपको मिलेगा, और इसका वेट भी कर रहे होंगे बहुत ही लंबे टाइम से कि हमें भी मिले, हम भी पीछे लगाएं, अच्छा लुक आए, वीडियो में भी अच्छा दिखे। पर आप सभी लोगों को बोल दूं कि अगर आपको सिल्वर प्ले बटन टूटा फूटा मिल जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मैंने आप बीती जो मेरे ऊपर बीती है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने जब सिल्वर प्ले बटन फर्स्ट टाइम मैंने रिसीव किया था, तो यहाँ पर हल्का सा डॉट था, दबा हुआ था, ज़्यादा प्रेशर की वजह से कुरियर में या फिर कैसे भी वो यहाँ पर दबा हुआ था और डैमेज था सिल्वर प्ले बटन। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरे पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट है मैंने कैसे इसको रिटर्न किया था। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको टूटा फूटा मिलेगा और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं रिटर्न भी कर दूं बाय कुरियर, तो आपको बहुत ही हैवी चार्जेज पे करने पड़ेंगे, लगभग 6 से लगभग 7,000 के अराउंड आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर में पे करना पड़ेगा, और कुरियर भी जो आता है हमें वो इंटरनेशनल होता है, लोकल कुरियर नहीं होता है। अभी मेरे पास बिल्कुल फ्रेश है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम रिसीव किया था वो डैमेज था, उसको मैंने रिटर्न किया था। आपको करना क्या, सिंपली आपको जो क्रिएटर स्टूडियो की जो क्रिएटर जो टीम है यूट्यूब वाली, यूट्यूब क्रिएटर टीम, उसको आपको एक मेल करना पड़ेगा कि सर मेरा सिल्वर प्ले बटन है, मुझे डैमेज मिला है। आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं। मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला था, वो डैमेज मिला है, और क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आगे से आपको मेल आएगा, आप अपने सिल्वर प्ले बटन के जो पिक है, कहाँ से डैमेज है, वो मुझे सेंड कीजिए। तो आपको वहाँ पर फ़ोटो सेंड करने पड़ेंगे, अटैचमेंट करके आप फ़ोटो सेंड कर दीजिए। उसके जस्ट 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा, कन्फर्म है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर 1,00,000 के पास जब पहुँच जाते हैं तो क्रिएटर जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है उन यूट्यूबर को लेकर जो अच्छा काम कर रहे होते हैं। फिर आपको बोलेंगे कि हम एक कुरियर रिसिप्ट आपको सेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कुरियर वाले से बात करेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, 6 से 7,000 रुपये। तो आप उनको बोलिए कि मैं कुरियर कंपनी से बात की थी, वो ज़्यादा पेमेंट बोल रहे हैं, पर मैं पे क्यों करूँ, जबकि मेरा कोई फॉल्ट है नहीं, फॉल्ट है यूट्यूब का और उसकी टीम का, उन्होंने मुझे डैमेज सिल्वर प्ले बटन सेंड किया है, तो आप उसको रिप्लेस करके मुझे नया सिल्वर प्ले बटन दे दीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि मुझे कुछ इस टाइप की जो रिसिप्ट है वो सेंड हुई थी, और ये भी यूनाइटेड स्टेट की है, यहाँ पर लिखा हुआ है US, और यहाँ पूरा एड्रेस लिखा हुआ है किस आदमी ने, यानी किस बंदे ने मुझे सेंड किया था सिल्वर प्ले बटन, किसके अंडर में है। ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, नीचे उस लिखा हुआ है शिप टू लिखा हुआ है, वो उस बंदे का है पूरा का पूरा जो मैंने उसको भेजा था। जब ऊपर मेरा एड्रेस है, नीचे जिसको भेजा है वो, इसका जो वेट है वो है 3 LBS का लगभग वेट है। और जब इसका जो प्राइस की बात करें, जब हमें बोलते हैं यूट्यूब वाले और वो जब हमें सेंड करते हैं रिसिप्ट, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लगभग दिख रहा होगा, पर यहाँ पर लिखा हुआ है $20, यानी कि $20। अगर यूट्यूब रिसीव खुद करता है रिसिप्ट सेंड करके, तो यूट्यूब को खाली पे करना पड़ता है $20, क्योंकि वहाँ पर वो कुरियर लोकल है, पर इंडिया में तो हो गया इंटरनेशनल। अगर आप डायरेक्टली बात करेंगे कुरियर वाले से, तो आपको पे करना पड़ सकता है लगभग 6,000-7,000 रुपये है, तो आप देखिए लगभग आपको लगभग $80 से $90 आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप डायरेक्टली सेंड करते हैं। तो उसका भी कंफर्म नहीं है कि रिटर्न आएगा। अगर आप यूट्यूब से पूरा कंफर्म कर लेते हैं, वहाँ से पूरी बातचीत करेंगे, अच्छे से उनको समझाएंगे ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपको ये रिसिप्ट सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं। सेम कुरियर वाला, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भले किसी भी छोटे से गांव में रहते हैं, किसी भी छोटे से गांव में, जब यूट्यूब वाला बोलेगा कि हमारा बंदा, हमारा कुरियर वाला ये सिल्वर प्ले बटन रिसीव करने आएगा, तो खुद वो कुरियर वाला आपके वहाँ पर एड्रेस पर आएगा रिसीव करने के लिए, वहाँ से कलेक्ट करके जाएगा और आपको एक रिसिप्ट भी दे देगा कि ये सिल्वर बटन मैंने रिसीव कर लिया है और ये वहाँ पर भेज दिया है। उसके लगभग 25 डेज में आपको यहाँ वापस रिटर्न भेज दिया जाता है सिल्वर प्ले बटन, अच्छा और बिल्कुल ही फ्रेश कंडीशन में। तो ये छोटा सा मेरा तो सजेशन था। मैं आपको पूरा जो मेल आईडी है क्रिएटर जो टीम की, वो भी आपको वहाँ पर मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कौन वापस भेजेगा, एक बार तो मिलता है वापस भेज दिया और वापस हमें रिसीव नहीं हुआ, उस डर से अगर आप सोच रहे हैं
और वही टूटा फूटा यूज कर रहे हैं, रख रहे हैं पीछे शोकेस में, तो फिर ये आपकी गलती है, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। पर ये पक्का कंफर्म है कि आपको जब रिसीव होता है उसी टाइम आपको उसको रिटर्न करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने पड़ा रखा उसके बाद आप रिटर्न करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर आपका फॉल्ट माना जाता है। आपको हाथों हाथ रिसीव होता है उसी टाइम आपको वो वापस सेंड करना पड़ता है। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी मेरे तरफ से। यूट्यूब पर आई थिंक इस टाइप का वीडियो तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये बीती है, इसीलिए मैंने बताया है कि किस टाइप आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं और ये तो उसकी 3 आपको अलग अलग पेजेज होते हैं, 3 अलग पेज, वो आपको सारे के सारे अटैचमेंट साथ में करने पड़ते हैं। एक तो ये रिसिप्ट है, इसमें QR कोड है और यहाँ से जो ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाती है कहाँ कहाँ पहुँचा है, आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं अच्छे से। आपका एड्रेस आ जाता है, किसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आ जाता है। आपको पूरा का पूरा मेल से निकाल कर एक प्रिंट आउट करके उसके ऊपर आपको चिपकाना है कहाँ पर आप भेज रहे हैं। तो चिपकाना ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट है आपको चिपकाना होता है, QR कोड और अगले का एड्रेस, और बाकी जो अटैचमेंट है वो आपको उसी के अंदर डाल देनी है या फिर पीछे आपको चिपका देनी है। ये अलग से रिसिप्ट है, कितने डॉलर का है, कितना वेट है पार्सल का, कहाँ पर जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पर फीड कर रखी है। और ये कुछ पीछे डॉक्यूमेंट का जो होता है इंट्रोडक्शन, वो चीज़ है, इसका तो कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा रिव्यू था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लग रहे हों, हमारे वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा नहीं लगे तो भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।